हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड द क्वेश्चन इज व्हाट डिड लंचो होप फॉर होप फॉर मीन्स एक्सपेक्टेशन लंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी सो लंचो वाज़ होपिंग फॉर रेन लंचो बारिश की उम्मीद कर रहा था क्यों बिकॉज ही न्यू दैट फॉर अ गुड क्रॉप हिज फील्ड्स वर इन डायट नीड ऑफ अ रेन क्योंकि वह जानता था कि अच्छी फसल के लिए उसके खेतों को पानी की बरसात की ज़रूरत है सो हेयर वी कैन राइट लंचो होप्ड फॉर रेन सो दैट ही कुड गेट अ गुड क्रॉप लंचो बारिश की उम्मीद कर रहा था ताकि उसे एक अच्छी फसल मिल सके डिड लंचो से द ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस लंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेनड्रॉप्स हैं जो बारिश की बूंदें हैं वो न्यू कॉइंस की तरह हैं नए सिक्कों की तरह हैं ओके सो एज वी नो दैट द फार्मर्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द वैदर फॉर अ गुड क्रॉप और अगर अच्छी फसल होगी तो उस फसल को वो मार्केट में बेचेंगे एंड इन रिटर्न दे विल गेट गुड मनी और उस अच्छी फसल के बदले उनको अच्छे पैसे मिलेंगे दैट मीन्स इट विल इंक्रीज देयर प्रॉस्पैरिटी इससे उनकी प्रॉस्पैरिटी में इंक्रीज़ होगा तो इसीलिए लंचों के खेतों को अच्छी फसल के लिए बारिश की जरूरत थी और जब बारिश होने लगी इसीलिए उसने कहा कि जो ये रेन ड्रॉप्स हैं ये न्यू कॉइंस की तरह हैं सो वी कैन राइट द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एट लीस्ट अ शार इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप एंड अ गुड क्रॉप मीन्स प्रोस्पेरिटी सो लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइंस हाउ डिड द रेन चेंज वट हैपन्ड टू लेंचोज फील्ड here in this question there are two parts though parts may question at first we will do the first one how did the rain change rain change kaise ho gai? okay so at first we know that rain was pouring down by saathurathi and suddenly a wind began to blow both and uh, hail and hailstones started to fall or hailstones girne lage so does the rain changed into storm we can write it in this way the rain was pouring down but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstones began to fall along with the raindrops thus the rain changed into a storm. So it was the first part. The next part is what happened to Lancho's field or uske baad Lancho ke field ko kya Lancho ke ke ओके सो वी नो दैट बिकॉज ऑफ दैट हैवी इस्टॉम हिज क्रॉस वर टोटली डिस्ट्रॉयड दे वर फुल ऑफ हेल स्टोन्स उसके जो खेत थे वो हेल स्टोन से ओलों से भर गए थे और पूरी तरह से कवर हो गए थे वो जैसे कि लग रहा था कि उन खेतों में नमक डाल दिया गया हो और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी सो वी विल राइट एज अ रिजल्ट ऑफ द हेल स्टोम्स द फील्ड्स गॉड फील्ड विद ही एंड They were as white as if they were covered with salt, and the corn crop was totally destroyed. What were Lanchos feelings when the hail stopped? हेल के रुक जाने के बाद, उस तूफान के रुक जाने के बाद, Lanchos की feelings क्या थी? वो कैसा feel कर रहा था? Okay, so as we have read that Lanchos field and crops were totally destroyed. तो ऑब्वियसली वो बुरा फील कर रहा होगा वो बहुत डिसर्टेंट था वो बहुत दुखी था सो वी कैन से वेन द हेल इज ही वॉर डिसर्टेंट हिज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस उसकी जो सोल थी वो दुख से भर गई थी एंड द क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड सो ही वॉज वरीड अबाउट द फूड फॉर हिम एंड हिज फैमिली उसकी जो फसल थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी और वो अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए पूरे अगले साल तक के खाने के लिए बहुत चिंतित था और बहुत दुखी था हु और वट डिड हैव फेथ इन वट डिड ही डू लंचो को किस पर विश्वास था सो हैड फेथ इन गॉड उसे भगवान पर विश्वास था एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन से वट डिड ही डू और उसने क्या किया दैट मीन्स वैन आफ्टर दिस हिज हिस्कॉप व टोटली डिस्ट्रॉयड दैन वट डिड ही डू तूफान के बाद जब उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी तब उसने क्या किया सो हैज फेथ इन गॉड लंचो को भगवान के ऊपर विश्वास था एंड उसे बताया गया था कि भगवान जो हैं सब कुछ देखते हैं तो उसे उम्मीद थी कि भगवान उसे भी देख रहे होंगे और वो उसकी मदद जरूर करेंगे उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा और उस लेटर में भगवान से हंड्रेड पैसोस मांगेगा ताकि वो अपने खेतों में दोबारा से बीज बो सके और अगली फसल के आने तक वो अपने परिवार को खाना खिला सके सो वी कैन राइट एज लेंजो वॉज टोल्ड दैट गॉड्स आइज सी एवरी थिंग सो ही डिसाइडेड टू रोट अ लेटर टू गॉड सेइंग दैट ही नीडेड हंड्रेड पैसोस टू सो हिज फील्स अगेन एंड टू अरेज फूड फॉर इज फैमिली टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रेड द लेटर वो लेटर किसने पढ़ा कौन सा लेटर जो लंचो ने लिखा था सो वैन लंचो पोस्टेड द लेटर एट द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा था सो हेयर वी कैन सिंपली राइट दट द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन और पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया दैट मीन्स आफ्टर रीडिंग द लेटर पोस्ट मास्टर ने क्या किया आफ्टर रीडिंग द लेटर एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लाफ्ट बट देन ही बिकेम सीरियस पहले तो जब उस पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा तो वह बहुत हंसा लेकिन फिर वह अचानक सीरियस हो गया ही वॉज सरप्राइज एट द राइटर्स फेथ इन गॉड एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ वो उस लेटर के राइटर का यानी कि लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास देखकर बहुत सरप्राइज था और वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिस्स फेथ ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर और इसलिए उस विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने उस लेटर का आंसर देने का डिसाइड किया लेकिन उस लेटर को आंसर करने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी जो कि लंचो ने मांगे थे सो ही कलेक्टेड द मनी नीडेड टू रिप्लाई दैट लेटर एंड सेंड इट टू लंचो तो उसने पैसे कलेक्ट किए और उसे लंचो को भेज दिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट मेड हिम एंग्रीम इन्स लंचो लंचो गुस्सा क्यों हो गया उसे गुस्सा क्यों आया वैन ही फिनिश काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली सेवेंटी पैसोज बट ही डिमांडेड हंड्रेड पैसोज जब लंचों ने पैसे काउंट किए तो पैसे सिर्फ सेवेंटी पैसोज थे लेकिन उसने हंड्रेड पैसोज मांगे थे एंड सीइंग द लेस अमाउंट दैन इज डिमांड ही गॉट एंग्री और जितने उसने डिमांड किए थे उससे कम पैसे देख के उसे गुस्सा आ गया बट ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड नीदर मेक अ मिस्टेक नॉट डिनाई हिम बट ही हैड डिमांडिड एंड देयर फो ही कंक्लूडेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग थर्टी पैसोज लेकिन उसे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था वो जानता था कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता और ना ही भगवान कभी लंचों को मना करेगा उतने पैसोज देने से जितने उसने मांगे हैं सो so उसने ये कंक्लूड किया कि जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ले लिए हैं और वह कितने पैसोज थे थर्टी पैसोस सोचने लगा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता इसका मतलब कि जो मेरे बचे हुए थर्टी पैसोज थे वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ले लिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डज लंचो हैव कम्प्लीट फेथ इन वट सेंटेंसेज इन द स्टोरी यू दिस लंचो को किसके ऊपर पूरा विश्वास था वी नो दैट लंचो हैड कम्प्लीट फेथ इन गॉड और ये बात हमें किस सेंटेंस से पता लगती है स्टोरी में ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जो ये हमें बताते हैं सो देयर आर मैनी सेंटेंसेस लाइक थ्रू आउट द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन होप हेल्प ऑफ गॉड सारी रात लंचो अपनी उस एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा और वो उम्मीद क्या थी भगवान से मदद की उम्मीद तो ये चीज़ दिखाती है ये सेंटेंस दिखाता है कि लंचो को भगवान के ऊपर कितना विश्वास था नेक्स्ट सेंटेंस God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. उसने भगवान को लेटर लिखा मदद के लिए और उसने लिखा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं भूखे रह जाएंगे देन द नेक्स्ट लाइन इज ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप उसने जो लेटर लिखा उसके ऊपर उसने क्या एड्रेस लिखा टू गॉड तो इससे क्लियर होता है कि उसे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था देन लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी सच वॉज इज कॉन्फिडेंस जब लंचो को लेटर मिला तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ और ये उसका भगवान के ऊपर विश्वास था उसे विश्वास था कि भगवान उसे रिप्लाई जरूर करेंगे द नेक्स्ट सेंटेंस इज गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड ओके सो जब लंचो को पैसे मिले उसने काउंट किया और पैसे कम थे तो उसे लगा कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता और ना ही भगवान कभी लेंचो को मना करेगा उतने पैसे देने से जितने कि उसने मांगे हैं द नेक्स्ट लाइन इज इट सेट गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस फॉर ओनली सेवेंटी पैसोस रीस्ट मी सैंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच जब लेंचो को सेवेंटी पैसोस मिले उसे गुस्सा आ गया उसने दोबारा से गॉड को लेटर लिखा उसमें उसने लिखा कि भगवान मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ सेवेंटी पैसों उसी मुझ तक पहुँचे हैं और प्लीज़ मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है तो दैट मीन्स ये दिखता है कि लंचों को पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे वो उसको पूरे पैसे देंगे और जितने पैसे बच गए हैं वो उसको दोबारा सेंड करेंगे सो ये सारी बातें बताती हैं दैट हैड कम्प्लीट फेथ इन गॉड Next question is, why does the postmaster send money to Lancho and why does he sign the letter God? Okay, so at first we will answer the first part. The first part is, postmaster ne Lancho ko paise kyun Postmaster was surprised as Lancho's faith on God and he did not want to shake it. So he decided to send money to Lancho. जब पोस्ट ने उस लेटर को पढ़ा तो लंचो का भगवान के ऊपर विश्वास देख के बहुत सरप्राइज था और वो उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था लेकिन अगर कोई उस लेटर का रिप्लाई नहीं करता तो लंचो का विश्वास टूट जाता तो इसीलिए लंचो का विश्वास ना टूटे ये सोचकर उसने डिसाइड किया कि वो लंचो को पैसे भेजेगा देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ वाई डज ही साइन द लेटर एज गॉड उसने उस लैटर पर गॉड के साइन क्यों किए उसने जो पैसे भेजे लंचो के उसके ऊपर उसने क्या लिखा था गॉड वो उसने क्यों लिखा बिकॉज ही डिड नाट वॉन्ट टू रिवील हिज आइडेंटिटी वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता था वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था एंड डज नॉट वॉन्ट लंचू टू नो दैट ही हैज सेंड द मनी नॉट गॉड वो ये नहीं चाहता था कि लंचू ये जाने कि पैसे जो हैं उसने भेजे हैं ना कि भगवान ने अगर लंचों ये जान जाता कि पैसे भगवान ने नहीं भेजे पोस्ट मास्टर ने भेजे तो क्या होता लंचो का विश्वास जरूर टूटता उसे भगवान के ऊपर फिर विश्वास नहीं होता तो जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि लंचो का विश्वास टूटे इसलिए उसने उस लेटर के ऊपर गॉड करके ही साइन किए और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की ताकि लंचों को लगे कि पैसे भगवान ने ही भेजे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड लंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम वाई और वाई नाट क्या लंचो ने जानने की कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजें और अगर की तो क्यों और अगर नहीं की तो क्यों ये हमें रीजन बताना है सो लंचो डिड नाट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम लंचो ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजें क्यों बिकॉज ऑफ़ firm faith in गॉड क्योंकि लेंचो को भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था He believed that God had sent him the money. ही believed दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी उसको ये विश्वास था कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं एंड never suspected सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी else एज देन गॉड और उसे इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसे कभी इस बात पर शक नहीं हुआ कि भगवान के अलावा उसे कोई और पैसे भेज सकता है तो इसलिए उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसे पैसे किसने भेजे उसे लगता था कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मनी वट इज द आयरनी इन सिचुएशन फर्स्ट क्वेश्चन इजचो को क्या लगता था कि उसके पैसे किसने ले लिए सो एट फर्स्ट इसका आंसर करेंगे दैट लेंचो थिंग्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द मनी लेंचो को लगता था कि पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ था वहाँ के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने उसके थर्टी पैसोज ले लिए एंड वट इज़ द आयरनी इन दिस सिचुएशन इस सिचुएशन में आयरनी क्या है एट फर्स्ट हम आयरनी समझते हैं आयरनी क्या होता है आयरनी इज अ सिचुएशन दैट इज स्ट्रेंज और फनी बिकॉज थिंग्स हैपन इन अ वे दैट सीम्स टू बी क्वाइट अपोजिट ऑफ वट यू हैव एक्सपेक्टेड आयरनी एक ऐसी सिचुएशन है जो कि फ़नी होती है और स्ट्रेंज होती है और वो फ़नी क्यों होती है बिकॉज़ आपने जो सोचा होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो रियलिटी उसके बिल्कुल अपोजिट होती है दैट मीन्स आप सोच रहे हो कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए पर जो होता है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है तो उससे क्या होता है उससे एक ह्यूमर क्रिएट होता है सो दैट इज़ आयरनी तो यहाँ पर आयरनी क्या है सो so, हमें समझेंगे दैट पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉयज़ हैल्प लंचो ओके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लंचो को हेल्प की थी इन रिटर्न लंचो को उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए था या अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए था पर लंचो ने उसका बिल्कुल अपोजिट किया लंचो को लगा कि इन्हीं लोगों ने मेरे पैसे ले लिए हैं और उन्हें उसने बंच ऑफ कु दैट मीन्स उसने कहा कि बोलो क्या हैं डिसनेस्ट हैं सो so यही आ रहे नहीं है होना कुछ और चाहिए था और हुआ बिल्कुल अपोजिट सो वी विल राइट लंचो थिंग्स दैट द पोस्ट ऑफिस इम्प्लॉयज़ हैव टेकन द मनी वेयर एज दे वर द ओनली पीपल हु मनी टू हिम लंचो को लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने पैसे ले लिए बल्कि वही लोग थे जिन्होंने पैसे भेजे थे Lancho must pay his gratitude towards him. Lancho kona thank you bolna tha. But on the contrary, he blames them. Lake in his Lancho blame kia and calls them a bunch of crooks or a bunch of crooks ka. So thus there is an element of irony in this situation. The next question is there are two kinds of conflict in this story between humans and nature and between humans themselves. हाउ आर दीज कन्फ्लिक इलेस्ट्रेटिड जनरली दिस क्वेश्चन कम्स अंडर लॉन्ग आंसर सो वी विल ट्राई टू राइट इट इन सम हार्स इससे हम कुछ हार्डिंग्स में लिखेंगे एट फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्वेश्चन से स्टोरी में दो तरह के कन्फ्लिक्ट हैं कन्फ्लिक्ट क्या होता है कन्फ्लिक्ट होता है डिसग्रीमेंट विरोध दो तरह के विरोध हैं एक है बिट्वीन ह्यूमस एंड नेचर दैट मीन्स ह्यूम और नेचर जो है एक दूसरे से किसी बात पर एग्री नहीं है वो डिसग्री हैं और वो एक दूसरे के विरोध में हैं अपोजिट हैं एंड बिटवीन ह्यूमन दमसेल्स और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमंस के आपस में ह्यूमन्स जो हैं वो आपस में हमेशा एक साथ नहीं सोचते उनके अंदर बहुत सारे डिसग्रीमेंट होते हैं तो वो कैसे इस कहानी में बताया गया है हमें ये बताना है फर्स्ट वी विल राइट अ हैरिंग इंट्रोडक्शन जिसमें हम बेसिक इंट्रो देंगे छोटा सा वी कैन राइट दिस स्टोरी रिटर्न बाई जी एल फिनटस बेस्ड ऑन अ फार्मर लेंचोज इमेंट्स एंड अनसिकेबल फेथ ऑन गॉड हमने बताया कि ये स्टोरी जो कि जी एल फिंटस ने लिखी है ये एक फार्मर लेंचो के इमेंस और अनसिकेबल फेथ भगवान के ऊपर जो उसका है उसके ऊपर बेस्ड है इन दिस स्टोरी द राइटर प्रेजेंस टू कन्फ्लिक्स विच आर एज फॉलोज इस कहानी में राइटर दो कन्फ्लिक्ट के बारे में बताते हैं जो कि हम नीचे डिस्क्राइब करेंगे दैन वी विल राइट द नेक्स्ट हाइडिंग दैट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इस हेडिंग में हम बताएंगे कि ह्यूमन और नेचर के बीच में कन्फ्लिक्ट कैसे है द फर्स्ट कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर लेंट टू एक्सपेक्टेड अ गुड क्रॉप एंड द फील्ड नीडेड सम रेन्स ही वॉज होपफुल फॉर रेन्स बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विम एंड लार्ज हिड स्टोन्स बिगेन टू फॉल इट हेल्ड फॉर एन आर एंड एज अ रिजल्ट द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय दिस कन्फ्लिक्टज़ बिटवीन ह्यूम एंड नेचर इन दिस कन्फ्लिक्टूमन बींग्स फाइंड देमसेल्स अनेबल इन फ्रंट ऑफ द नेचर यहाँ पर हमने क्या बताया कि लंचो जो है एक अच्छी क्रॉप की उम्मीद कर रहा था और अच्छी क्रॉप के लिए उसे बारिश की ज़रूरत थी वो बारिश का वेट कर रहा था बारिश होना इस्टार्ट हुई लेकिन अचानक से बहुत तेज़ हवा पहने लगी जब बारिश होना शुरू हुआ लंचो बहुत खुश हुआ ये देख कर कि अब अच्छी बारिश हो रही है और मेरी फसल अच्छी होगी लेकिन तभी बहुत तेज़ हवा चलने लगी और फिर हेली स्ट्रोन्स गिरने लगे और उसकी वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई तो यहाँ पे क्या हुआ जो लंचो सोच रहा था वो बिल्कुल अलग था और जो हुआ वो बिल्कुल उसके अपोज़िट हुआ और इस कन्फ्लिक्ट में उसने पाया कि जो ह्यूमंस हैं वो नेचर के सामने अनेबल हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते नेचर के सामने हेल्पलेस है सो so, यहाँ पर लंचो की पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई और वो कुछ नहीं कर पाया तो ये कन्फ्लिक्ट था जो उसने सोचा उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ दैन वी विल राइट द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन दैमसेल्व्स हेयर वी विल टेल कि कैसे ह्यूमन्स के बीच में कन्फ्लिक्ट दोस्ट मास्टर ट्राई टू हेल्प लंचो इट वॉज इम्पॉसिबल टू हिम टू कलेक्ट द ऑल अमाउंट अलोन

और अपनी सैलरी में से भी कुछ पैसे दिए इस तरह से उन सब ने साथ मिलकर के वो पैसे कलेक्ट किए और इस तरह से उन्होंने एक अच्छा काम किया सो so, पैसे भेजने के लिए लंचो को उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए था पर हुआ क्या इंस्टीड ऑफ थैंकिंग दैम लंचो ब्लेम दैम फॉर टेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी एंड कॉल दैम बंच ऑफ क्रुक्स लेकिन लंचो ने उन्हें थैंक यू बोलने के बजाय उन्हें उल्टा ब्लेम किया कि उन्होंने उसके पैसे ले लिए हैं और लंचो ने उन्हें डिसऑनेस्ट पीपल कहा दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन इज फेलो ह्यूमस इससे बात हमें पता लगती है कि जो इंसान है वो दूसरे इंसानों पर विश्वास नहीं करता जैसा कि लेंचो ने नहीं किया लेंचो को जिन्हें थैंक यू बोलना चाहिए था उसने उन्हीं को ब्लेम किया और लेंचो को उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था सो दस हिज मिस्टस्ट गिवस राइज टू द कंफ्लिक्ट इस तरह से जो उसका अविश्वास था उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर या इंसान का जो अविश्वास है दूसरे ह्यूमंस के ऊपर वो ह्यूमंस के बीच में ही एक कन्फ्लिक्ट को राइज करता है उससे ही ह्यूमंस के बीच में एक डिसग्रीमेंट राइज होता है आफ्टर इट टू एंड दिस क्वेश्चन वी कैन राइट वन मोर हैडिंग दैट इज कंक्लूजन एंड हियर वी सिंपली राइट विद द हेल्प ऑफ दिस टू इंसिडेंट द बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन हैज़ बीन मावल Represented. Now the answer of this question is complete. So, in this manner, you can write the long answer questions and you can get good marks in exams. Thank you.